कल राम नवमी के दिन भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे सभी लोग, तो आज यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगा अयोध्या। जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, दशहरा भी आएगा, दशहरा का पर्व अयोध्या में होगा, आपका क्या फीलिंग्स है? रामनवमी के दिन दशहरा का पर्व सब लोग अपने अपने घर पे मनाएंगे, दशहरे वाले दिन सुबह सब लोग वापस अपने घरों में आ जाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ से चल रहे हैं और कल सुबह रामलीला के रामनवमी के दिन रामलीला के कितने लोग जा रहे हैं? दो बसें जा रही हैं, इसमें तकरीबन 100 लोग। अच्छा, इस आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है? पिछले 900 से हमारे यहाँ यात्राओं का रेगुलर सिलसिला चल रहा है, हर हफ्ते चाहे हरिद्वार की बस हो, खाटू श्याम की बस हो, चाहे मथुरा वृंदावन की बस हो, चाहे पिछले 2 महीने से रेगुलर अयोध्या की बसें भी जाने का सिलसिला है। पिछली बार आपने फरीदाबाद से भेजी थी, पलवल से भेजने का क्या मकसद है अपनी बार? पलवल से क्या, पूरी लोकसभा के जो लोग हैं जो जाना चाहे सब जा सकते हैं। हमारे ऐसा कुछ है कि इस मोहल्ले से जाएगा, उस गली से जाएगा, जहाँ से जाए वहाँ से जा सकते हैं। इरेगुलर जो यात्राओं का सिलसिला है पिछले 9 साल से। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि रामलीला के दर्शन करने आ रहे हैं, फरीदाबाद की तरक्की की कामना करें कि हमारा फरीदाबाद पलवल जो क्षेत्र है वो विश्व के मानचित्र पर उनका नाम हो, जैसा कि उसका इतिहास रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, उसी तरक्की को, उसी नाम को दोबारा प्राप्त करें और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ें।